चिन्मय, कल मैंने क्या कहा था? शेर के बारे में अरे और चूहे के बारे में जानकारी लाने के लिए। किसने लाया आज? चिन्मय बता। हाँ बता। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चूहा एक स्तनधारी प्राणी है। चूहा का मुख्य भोजन अनाज होता अटेंडेंस का वाला है, बोल लेकिन यह कपड़ों को भी कुतरता है। कृष्णा यादव। अनाज खाने से ज्यादा खराब कर देता है। चूहा हाँ किसी भी चीज को कुतर के खाते हैं। चूहे पीयूष माई, के दांत साक्षी यादव, दिन भर बढ़ते हैं। थॉमस नियंत्रित करने के लिए चूहे अपने दांत को पीसते हैं और करते हैं। जी। वेरी गुड। चलो सबसे पहले शेर और चूहे के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेती हूँ। शेर ऊप सहारा अफ्रीका के घास के मैदान साफ और खुले जंगल में रहते हैं। शेर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बिल्ली है। यह बाघ द्वारा थोड़ा सा बोना बोना यानी छोटा सा बोना है, जो बारीकी से संबंधित है और शरीर के समान समान प्रकार का है। यह अन्य बिल्लियों के विपरीत शेर बहुत सामाजिक जानवर है। आज हम आपको शेर के बारे में महत्वपूर्ण रोचक तथ्य बताते हैं। चूहे के बारे में बता रही हूँ। चूहा एक स्तनधारी प्राणी है। यह साधारणतः सभी देशों में, विशेषकर उष्ण देशों में पाया जाता है। यह कपड़ा, सूटकेस आदि को काट कर बहुत हानि पहुंचाता है। शरीर बालों से आवृत एवं सिर, गर्दन, धड़ तथा पूंछ में विभक्त होता है। ऊपरी एवं निचली होंठ से घिरा रहता है। सिर में एक जोड़ा नेत्र, बहकर्ण, धड़ में दो जोड़े पैर तथा स्तन होते हैं। नेत्र के ऊपर तथा किनारे में लंबे और कड़े बाल, जिन्हें मूंछ कहते हैं। ये स्पेशन निंद्रिय का काम करता है। देखा, चूहा और शेर के बारे में जानकारी हमारी हो गई। तो चलो सबसे पहले हम लोग लेसन की तरफ मुड़ते हैं। शेर और चूहा। अभी शेर और चूहा, आपको सबको पता है इसकी कहानी। हमने स्कूल में भी पढ़ी है। हमारे नाना नानी या फिर दादा दादी हमें बहुत सारी कहानियां सुनाते। हो सकता है आप सबने ये कहानी सुनी भी होगी। फिर एक बार दोहराते हैं। यह बहुत बड़ा जंगल था, उसमें एक शेर रहता था। वह एक बड़े वृक्ष के नीचे बिल में कुछ चूहे भी रहते थे। एक दिन वह शेर सो रहा था, उसी के पास चूहे भी खेल रहे थे। खेल खेल में कुछ शेर के ऊपर चढ़ गए। शेर की आंख खुली। अभी देखो, कोई सो रहा है, शेर, शेर यानी क्या है, जंगल का राजा। उसके ऊपर अगर चढ़कर अगर नाचोगे, राजा, हम लोग राजा को कितना सम्मान करते हैं, हाँ, उसकी हर बात मानते हैं। लेकिन ये राजा के सामने कोई रुकता है क्या? नहीं, सब उसे डरते हैं। लेकिन चूहा, शेर सोया है, कहाँ पर सोया है? शेर पेड़ के नीचे सोया है। और उसी बिल में रहने वाले चूहे जो है वो आके बाहर आकर खेल रहे। खेलते खेलते कहाँ पर चढ़ गए? वो शेर के ऊपर चढ़ गए। शेर की आंख खुल गई। वह गुस्से में आकर चूहों पर झपटा। सभी चूहे झटपट भाग गए, लेकिन एक छोटा सा चूहा शेर के पंजे में आ गया। एक छोटा सा चूहा शेर के पंजे में आ गया। उस चूहे ने कहा, हे जंगल के राजा, आप बड़े हैं, मैं बहुत ही छोटा हूं। मुझे खाकर तो आपका पेट भी नहीं भरेगा। वो बात तो सही है, शेर कितना बड़ा है ना।
अगर इतना छोटा सा चूहा वो खा लेगा तो उसका पेट भर जाएगा क्या? नहीं। अगर एक चूहे के बदले अगर वो 10-20 चूहे खा लेगा तब भी उसका पेट भरने वाला है क्या? नहीं। तो वो क्या कहता है कि हे जंगल के राजा, आप बड़े हो, बड़े है, मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे खाकर तो आपका पेट नहीं भरेगा। यदि आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं कभी कभी आपकी मदद करूंगा। चूहे ने क्या कहा कि अगर मुझे आप छोड़ दोगे तो मैं कभी भी आपके काम आ सकता हूँ। तो आगे देखते क्या है। चूहे की बात सुनकर शेर को हंसी आ गई। उसने सोचा, भला ये नन्ना प्राणी मेरी क्या मदद करेगा। लेकिन चूहे की हालत पर शेर को दया आ गई। उसने चूहे को छोड़ दिया। क्या हो गया? चूहे की बात सुनकर शेर हंसने लगा, दहाड़े मारने लगा और फिर क्या बोला, मन में बोला कि ये छोटा सा नन्ना सा जीव, नन्ना सा प्राणी मेरी क्या मदद करेगा, मैं इतना बड़ा हूं, मैं राजा हूं, तो मेरे ये कोई भी काम नहीं आएगा। लेकिन चूहे की दशा देखकर चूहा बहुत डर गया ना। अभी चूहा डर गया क्योंकि शेर क्या करता है, शेर सभी जितने भी प्राणी है जंगल में उनको क्या करता है, वो खा लेता है, तो उसके सामने कोई रुकता नहीं है। लेकिन ये तो शेर के पंजे में था तो चूहा डर गया। उसकी ये हालत देख के शेर को उसके ऊपर दया आ गई और उसने चूहे को क्या कर दिया, छोड़ दिया। आगे एक दिन वह शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वह उस जाल से न छूट सका। वह जोर से दहाड़ने लगा। उस छोटे से चूहे ने शेर की आवाज पहचान ली। किसने आवाज पहचान ली? चूहे ने शेर की आवाज पहचान ली क्योंकि पहचानेगा ना, क्योंकि उसके पंजे में था, डर रहा था, इतने नजदीक रह के रहेगा तो शेर की आवाज पहचान ही लेगा ना। उस शेर का उपकार याद आया, वह जल्दी से शेर के पास पहुंच गया। उसने अपने कई साथियों के साथ मिलकर जाल को कुतर दिया। शेर जाल से बाहर निकल आया। जैसे उसने चूहे ने बाहर बिल में से बाहर आके देखा कि शेर जाल में फंस गया है, इतनी कोशिश के बाद नहीं निकल रहा है, तो उसने क्या किया, चूहे ने अपने बहुत सारे साथियों को बुलाया और सब मिलकर क्या किए, वो जाल को कुतर दिए और उससे क्या हो गया, शेर आजाद हो गया। उसने चूहे को धन्यवाद दिया। और सचमुच छोटे प्राणी का भी बड़ा, यानी कितने भी छोटे जीव हो वो भी बड़ा काम कर सकते हैं। हम क्या सोचते हैं, देखो हमारे क्लास में भी ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे बच्चे रहते हैं, कोई अच्छा रहता है कोई पढ़ाई में, कोई कमजोर रहता है पढ़ाई में, कोई बदमाशी में आगे रहता है, और बहुत सारे ऐसा बच्चे रहते हैं जो हम लोग मिलजुल के पढ़ाई करते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि जो बदमाश लड़का रहता है, जो बदमाश बच्चा रहता है, वो क्या करता है, दूसरे बच्चों को मार पीट करता है, उसको दबा के रखता है, उसको डराता है, धमकाता है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो बच्चा उस लड़के से डरता है और वो दम कर रहता है तो क्या करता है, कभी भी उसके काम आ सकता है, जो बदमाश बच्चा है उसके काम आ सकता है। ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है जो होशियार बच्चा रहता है, बहुत होशियार बच्चा रहता है, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है, मैं क्लास में नंबर 1 हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, यानी वो अपने को सबसे बड़ा मानने लगता है, तो उससे भी क्या हो जाता है, उसको भी छोटे अपने से कमजोर बच्चा भी उसे सिखा सकता है कि ऐसा नहीं ऐसा लिखो, ऐसा नहीं ऐसा करो। समझ में आया? तो हमें ये सोचना है कि हमसे भी जितने कमजोर बच्चे हैं, हमसे भी जो कमजोर बच्चे हैं, तो उनको वो भी हमारे काम आ सकते हैं, उन्हें कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए, उन्हें कभी भी हमसे कम नहीं आंकना चाहिए। ऐसे इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि जितने भी छोटे प्राणी है वो क्या कर सकते हैं, बड़े काम कर सकते हैं। देखो
हाथी कितना बड़ा रहता है ना, कितना विशाल है हाथी, लेकिन एक चींटी अगर हाथी के कान में चली गई तो क्या करते हैं, हाथी को भी उसके आगे नतमस्तक होना पड़ता है ना। तो इसी तरह है ये भी लेसन। तो चलो अभी हम पाठ के स्वाध्याय की तरफ मुड़ते हैं। सबने कॉपी नोटबुक ली है ना? यस। चलो तो सबसे पहला सवाल लिखो। बताओ। शेर गुस्से में आकर चूहे पर डैश। क्या आएगा इसका जवाब? मानवी शेर गुस्से में आकर चूहों पर डैश, क्या आएगा? झपटा लिखो फटाफट। सब लिख रहे हैं ना? टीचर कैसे लिखे? पहला सवाल लिखो ना, रिक्तान भरो बोल के, उसके नीचे लिखो शेर गुस्से में आकर चूहे पर डैश, उसका आंसर है झपटा। झंडा वाला झ प टा ट को आकी मात्रा, ट को आकी मात्रा, जो नीचे हो गए नीचे। हो गया। अगला सवाल है, शेर जोर से डैश लगा, से शेर जोर से डैश लगा, दहाड़ने लगा।
अगला सवाल बोलू? यस। चूहे ने शेर की डैश पहचान ली। आवाज। हाँ लिखो जल्दी जल्दी। सबका कॉपी चेक करने वाली हूँ मैं, ये होने के बाद, लेसन होने के बाद क्वेश्चन आंसर, इसीलिए सबको लिखना है, प्रॉपर लिखना है, लेसन का नाम, डेट और क्वेश्चन आंसर प्रॉपर लिख के दिखाना है मुझे। सवाल दूसरा, उत्तर लिखो। खेल खेल में, उसमें का क, खेल खेल में चूहों से क्या गलती हो गई? खेल खेल में, हाँ बोलो, खेल खेल में जो चूहा शेर के ऊपर चढ़ गया। चढ़ गए, क्योंकि गया यानी एक ही हो गया ना, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे तो चढ़ गए। खेल खेल में चूहों से यह गलती हो गई कि खेल खेल में चूहों से यह गलती हो गई कि वे सब शेर पर, शेर के ऊपर, शेर के ऊपर, टीचर, हाँ बोलो टीचर, चूहे ने शेर की डैश पहचान ली, दिखा है। आवाज बताया ना मैंने, खेल खेल में चूहों से ये गलती हो गई कि चूहों से ये गलती हो गई कि वे सब गई शेर के ऊपर चढ़ गए, वे सब शेर के ऊपर चढ़ गए, शेर के ऊपर चढ़ गए, के ऊपर गए। अगला सवाल, छोटे चूहे ने शेर से क्या वादा किया? छोटे चूहे ने शेर से क्या वादा किया? छोटे टीचर, हाँ बोलो टीचर, खेल खेल में चूहे से क्या गलती हो गई थी, देखा है। हाँ लिखो, खेल खेल में चूहे से यह गलती हो गई कि चूहे ने से, मयंक पूछ रहा है ना सवाल मुझे? यस टीचर। हाँ तो वे सब शेर पर चढ़ गए, वे सब शेर पर चढ़ गए, चढ़ गए। दूसरा सवाल लिखो मयंक, फास्ट, थोड़ा हाथ चलाओ। वादा किया, दूसरा सवाल लिखा मयंक,
छोटे चूहे ने शेर से क्या वादा किया? छोटे चूहे ने शेर से यह वादा किया कि छोटे छोटे चूहे ने शेर से जवाब बता रही हो छोटे चूहे ने शेर से यह वादा किया कि आप मुझे छोड़ देंगे तो छोड़ देंगे तो मैं मैं कभी आपकी मदद करूंगा। टीचर खेल खेल में चूहे से ये गलती हो गई कि वे सब शेर के ऊपर चढ़ गए। सवाल दूसरा लिखा मयंक। हो गया लिख के सवाल दूसरा। पांचवी सवाल तीसरा लिख के बैठ जा। दिख रहे ना स्क्रीन पर सवाल? यस। हाँ लिखो और बैठो मैं बता देती हूँ आंसर साथ पे दोनों को। हो गया सवाल। मयंक हो गया दूसरा सवाल लिखकर? वो लिख रहा हूँ। क्या हुआ संस्कृति? आवाज येत नाही आहे तुझ। सेकंड आंसर ना? हा थांब सांगते थांब ते मयंकला सांगते ना तेव्हा तुला पण सांगते थांब। मयंक आंसर सांगू? छोटे चूहे ने जवाब बता रही हो सेकंड का? मयंक और संस्कृति को बता रही हूँ।
छोटे चूहे ने छोटे चूहे ने शेर से यह वादा किया कि शेर से छोटे चूहे ने शेर से यह वादा किया कि शेर से यह वादा किया कि यह वादा किया कि आप मुझे आप मुझे फटाफट लिखो आप मुझे छोड़ देंगे तो आप मुझे छोड़ देंगे तो मुझे छोड़ देंगे तो छत्री में छोड़ छोड़ो की मात्रा छोड़ देंगे द पे एक ही मात्रा और ग पर भी एक ही मात्रा देंगे तो छोड़ देंगे तो मैं म पे आई की मात्रा मैं देंगे, देंगे तो मैं कभी क भी ब पे बड़ी ई की मात्रा हाँ कभी आपकी 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 मदद मदद करूंगा सवाल तीसरा लिखो शेर ने चूहे को हाँ बोल सेकंड का मुझे आंसर बताओ ना किन में बोल रहा है अभी ये सेकंड का ही आंसर था छोटे चूहे ने शेर से यह वादा किया कि आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा ये सेकंड का ही आंसर था अभी जो बताया मैंने वो सवाल तीसरा लिखा सबने यस हाँ तो जवाब बताऊ यस पहला सवाल दोहराती हूँ किसको जवाब आ रहा है तो मुझे बता देना ठीक है शेर ने चूहे को क्यों छोड़ दिया शेर ने चूहों को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि चूहा डर गया था शेर को उस पे दया आ गई तो लिखो शेर ने चूहे को छोड़ दिया तीसरा का आंसर बता रही दिया चूहे को छोड़ दिया क्योंकि क्योंकि चूहे की हालत पर हालत हाँ
क्योंकि कैसे लिखता है? क्योंकि अर्धा क त्याला य जोडायचं, आधा क बनाना ये जोड़ना है उसे, य को ओ की मात्रा लगानी है, उसके बाद फिर क लिखना है, उस क को छोटी की मात्रा लगानी है। क्योंकि चूहे की हालत पर शेर को दया आ गई। हाँ बस इतना ही लिखना है, क्योंकि चूहे की हालत पर शेर को दया आ गई, दया आ गई, गई। तो अगला सवाल लिखो, शेर कहाँ फंस गया था? जाल में फंस गया था। हाँ तो लिखो, उसका जवाब आ रहा है तो लिखो फिर। शेर कहाँ फंस गया था? टीचर, क्यों शेर ने चूहे को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि चूहे की हालत पर, शेर को दया आ गई। हो गया। अगला सवाल लिखो, चूहे पर दया आ गई। शेर कहाँ फंस गया था? शेर कहाँ फंस गया था? यस टीचर, शेर जाल में फंस गया था। शेर कहाँ फंस गया था? हो गया। अगला सवाल है, शेर ने क्या किया? चूहों ने चार को जाल को कुतर दिया था। हाँ सही है। था चूहों ने क्या किया? चूहों ने जाल को कुतर दिया और शेर को आजाद किया। दिया
और शेर को आजाद किया। शेर को आजाद आजाद किया। किया। अगला सवाल लिखो। सही विधान के सामने सही चिन्ह और गलत विधान के सामने गलत चिन्ह लगाओ। क्वेश्चन नंबर 3 हो गए टीचर। तो उसमें से पहले वाला लिखो, फटाफट लिख के लो, टाइम कम है क्योंकि अभी 10 मिनट में ये बंद हो जाएगा, इसलिए फटाफट लिखो तो, नहीं तो अपना आधा